हेलो एवरी वन लेट स्टार्ट विद अ न्यू केस स्टडी क्वेश्चन सो दिस इज़ फॉर साइंस क्लास टेंथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास और कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है दैट इन नाइनटीन हंड्रेड नाइन सोरेन सन डिवाइज अ स्केल नोन आज पी एच स्केल पी एच स्केल क्या होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कि मतलब हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन बताता है वो उससे क्या पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है नाउ इट इज गिवन दैट सोरेन्न सन लिंक द हाइड्रोजन आयन एंड कंसनट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन टू द सिंपल नंबर्स जीरो टू फोर्टीन जो कि हमें पता है पी एच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है जीरो टू फोर्टीन और जीरो टू एट सॉरी जीरो टू सेवन हमारा क्या होता है एसिडिक एंड देन सेवन टू फोर्टीन इट इज़ बेसिक और उन्होंने हमें बताया कि जो पी एच स्केल होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ जैसे कि फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है इसका टुथ डे में यूज़ किया जा सकता है बी स्टिंग में यूज़ किया जा सकता है तो देखते हैं कि कैसे यूजफुल होता है और क्या क्या हमारे क्वेश्चन हैं सबसे पहले विच ऑफ द फॉलिंग सबस्टांसिस एडिड बाई फार्मर्स इफ़ द सॉयल इज एसिडिक अपना सॉइल सॉइल हमें कैसी चाहिए होती है फॉर क्रॉप्स इट मस्ट बी न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक मतलब सिक्स पॉइंट फाइव और सेवन तक का पी चाहिए अब एसिडिक है वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा तो हमें उसको क्या करना है न्यूट्रल बनाना है न्यूट्रल कैसे बनाएंगे उसके अंदर बेस डालेंगे तो कॉमन सॉल्ट डालने से तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो क्या है सॉल्ट है स्लेक लाइम यस वी कैन यूज स्लेक लाइम टू मेक इट एसिडिक विनेगर का यूज़ करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि विनेगर तो एसिडिक है ऑलरेडी और और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा जिसकी वजह से हम सॉयल को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे लास्ट लाइम लाइम भी यूज किया जा सकता है बट यहाँ पे स्लेक लाइम दिया हुआ था इसलिए वो भी ले सकते हैं लाइम भी ले सकते हैं लाइम को भी यूज़ किया जाता है एसिडिक्स सॉइल के लिए जिससे कि हम उसको क्या बना सकें न्यूट्रल बना सकें तो ये दो ऑप्शन थोड़े से डाइसी हैं, इसमें से जो बेस्ट है वो है स्लेक लाइम नेक्स्ट आपके पास है सेवेंथ सेवंथ क्वेश्चन दिया हुआ जो आपको दिया है रेन इज कॉल्ड एन एसिड रेन वेन द पी एच इज रेन को हम एसिडिक कब बोलेंगे जब उसका जो पी एच लेवल होगा वो सेवन से कम होगा इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन सी कंडीशन हो सकती है फाइव पॉइंट सिक्स वाली क्योंकि सिक्स पॉइंट फाइव इज नियर टू सेवन तो इस वजह से उसको हम क्या बोल सकते हैं न्यूट्रल भी बोल सकते हैं सो दिस इज द केस C part is the right answer. Question number थ्री It says during indigestion विच एसिड इज प्रोड्यूस बाय द स्टमक दैट कॉज इज इरीटेशन एंड पेन तो ये कौन सा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में होता है इसलिए हमें इरीटेशन होती है और थोड़ी सी पेन भी हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलिंग सॉल्ट इज़ यूज टू गिव रिलीफ ऑन द स्ट्रंग एरिया स्ट्रंग एरिया मतलब कि जैसे कभी कभार चीटी काटती है या कभी कभार बी स्ट्रंग कर जाती है तो उस वजह से क्या होता है वो एसिड रिलीज कर जाता है हमारे बॉडी में और एसिड से अगर आपको रिलीफ पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू अप्लाई बेस ओवर इट तो बेस कौन सा होना चाहिए इसमें से वो देखते हैं वॉशिंग सोडा नहीं कॉस्टिक सोडा नहीं यूज़ कर सकते यस वी कैन यूज़ बेकिंग सोडा जिससे कि आपको एकदम से रिलीफ मिल सकता है ब्लीचिंग पाउडर नहीं यूज़ कर सकते सो सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इट इज़ अ बेस और बेस लगाओगे तो यू विल गेट रिलीफ क्वेश्चन नंबर टेन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी इन द स्टमक तो अगर हाइपर एसिडिटी होती है तो एंटीसेप्टिक तो नहीं यूज करते एंटीबायोटिक भी यूज नहीं करते दैट्स फॉर बैक्टीरिया एंड ऑल एनल एनल इट इज़ नॉट यूज एंटा एसिड इज यूज यस अगर आपको एसिडिटी रहती है तो लोग ज़्यादातर कौन सी मेडिसिन प्रेफर करते हैं एंटा एसिड क्यों वो एंटा एसिड करते हैं क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस वी हैव एंड एसिडिटी की एसिडिटी क्या होता है बेसिकली इट इज रिलीज ऑफ एसिड एसिड ज़्यादा रिलीज हो रहा है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और वो कौन कर सकता है सिर्फ और सिर्फ बेस सो यस क्वेश्चन नंबर फाइव इज डन वी हैव डन वन के स्टडी बेस्ड ऑन साइंस विल बी डूइंग मोर सच वीडियोज़ So do subscribe the channel. Thank you for watching. Have a great day.